नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सीजीपीएससी एसएससी यानी कि स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करने का सोच रहे हैं या फिर सीजीपीएससी एसएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि वो लोग जो इस एग्जाम के लिए बिगनर्स हैं या फिर वो लोग जो इस एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं, तो आज का यह वीडियो उन लोगों के लिए है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप सीजीपीएससी का प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, शुरू से लेकर अंत तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, कैसे आप इस एग्जाम में सफल हो सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सीजीपीएससी के सिलेबस पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, वो कभी और डिस्कस कर लिया करेंगे, लेकिन हाँ आज हम पैटर्न पे जरूर डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक मोटा माटी ये समझ आ जाए कि आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं या इसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं और किन किन खास बातों को ध्यान रखना होगा ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो इन सभी टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे। हाँ, अगर आप बिगनर्स हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है। आप बार बार एग्जाम देकर फेल हो रहे हैं तो किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आप इस एग्जाम में सफल हो पाए, तो वो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। शुरू करूंगा लेकिन उससे पहले पिछले कुछ दिनों से जो करंट अफेयर के वीडियोस आ रहे थे उस पर कुछ कमेंट्स आ रहे थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि क्या 4-5 घंटे पढ़कर इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। कुछ लोगों का ये कहना था कि वो जॉब करते हैं तो जॉब करते हुए 3-4 घंटे का वक्त ही मिल पाता है तो क्या एग्जाम क्रैक हो सकता है। या फिर कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि नोटिफिकेशन कब आता है, एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से है, तो इस तरह से कमेंट्स आ रहे थे। तो उन सभी का जवाब मैं यहाँ देने की कोशिश करूंगा। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे समझने की जरूरत है आप लोगों को भी और हर किसी को इस बात को समझना चाहिए। पिछले वीडियो में एक लड़की ने कमेंट किया कि क्या 4-5 घंटे पढ़कर मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकती हूं क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम है, और वो बिगनर्स थे। उस बिगनर्स का ये सवाल था और नीचे बहुत भद्दे भद्दे लोगों का कमेंट था। एक दो लड़के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, उनका बहुत अश्लील टाइप का कमेंट था। तो इस तरह का सोच रखकर अगर आप उस प्रोफेशन में जाने की सोच रहे हो, डीएसपी बनने का सोच रहे हो, डिप्टी कलेक्टर बनने का सोच रहे हो, तो फिर आप वो ख्याल छोड़ दो क्योंकि इस तरह का घटिया सोच रख के आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। ये बहुत निंदनीय है और अगर इस तरह का कमेंट करना रहता है, लोगों का मोरल डाउन करना रहता है, खुद नहीं कर पा रहे हो लेकिन दूसरों को भी ना करने दो, अगर इस तरह का सोच रखते हो तो यहां प्लीज ना आए। रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस तरह की थिंकिंग है तो प्लीज यहां अगर गंदगी ना फैलाएं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनका यहां स्वागत है और यह जगह सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो अभी तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर इस तरह का भद्दा कमेंट करना है, लोगों का मोरल डाउन करना है, तो आप नए यहां बिल्कुल मत आए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके कमेंट के बाद उस लड़की को अपना मैसेज डिलीट करना पड़ा, अपना सवाल डिलीट करना पड़ा। सोच रहे हो कि अगर किसी के मन में डाउट आया, ऑनलाइन वो पढ़ रही है, घर से पढ़ रही है, किस स्थिति में पढ़ रही है, उसके मन में सवाल है, तो डर के मारे सवाल भी ना पूछ पाए अगर इस तरह के लोग कमेंट करेंगे तो जो लोग यहां पढ़ने आते हैं वो सपोर्ट करें और वो देखें कि इस तरह के जो लोग हैं वो यहां कमेंट ना करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ आप लोगों के कमेंट्स थे जिसके 3-4 स्क्रीनशॉट मैंने लिया है और आप ही लोग के कमेंट्स के आधार पे ये पूरा एक छोटा सा वीडियो रहेगा कि कैसे आप लोग कर सकते हो, किस रास्ते पे जा सकते हो, क्या आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं इस फील्ड में, इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप शुरू करने जा रहे हैं, अगर आप पीएससी का तैयारी करने जा रहे हैं, सीजीपीएससी एसएससी का तैयारी करने जा रहे हैं, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का, तो अगर आप इस थिंकिंग के साथ में तैयारी शुरू करने जा रहे हो कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपके पास में पावर होगा, आपके पास में पैसा होगा, सोसाइटी में आपका रुतबा होगा, अगर ये थिंकिंग है तो या तो इस थिंकिंग को बदल लो या तो फिर आप प्रिपरेशन छोड़ दो क्योंकि इस थिंकिंग के साथ में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो ऐसे एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। हाँ, अगर आप इस सोसाइटी को कुछ सर्व करना चाहते हो, अगर आप कुछ कर गुजरना चाहते हो, आप अच्छा काम करना चाहते हो, लोगों के लिए करने का आपके अंदर जुनून है, तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और बेहतर स्कोर के साथ में कर सकते हैं। तो अगर ये थिंकिंग है तो स्वागत है, बिल्कुल प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन अगर पहले वाली थिंकिंग है तो थोड़ा सा सोचिए और अपनी थिंकिंग को बदलिए या तो फिर इस फील्ड को छोड़ दीजिए। ठीक है, कड़वी है लेकिन डायरेक्ट बातें कर रहा हूं इसीलिए थोड़ा सा इस बातों को समझिएगा, थिंकिंग को जरूर बदलिएगा। बिना थिंकिंग
बदले आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि सबसे पहला जो आपके मन में सवाल आता है, जो बिगनर्स हैं खासकर उनके मन में ये सवाल जरूर आएगा, जो इस फील्ड में अभी नए हैं, बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल भी नहीं जानते, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त। कोई मैटर नहीं करता कि आपका 80% है, आपका 70% है, 65% है, 50% है, 55% है, कोई मैटर नहीं करता, बस आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट है कि आपके मन में यह भी सवाल आता होगा, हो सकते हैं कई लोगों का एज ज्यादा होगा, 30 क्रॉस होंगे, कई लोग 35 भी क्रॉस हो सकते हैं, तो उनके मन में भी ये सवाल होगा, या फिर हो सकता है कि कई लोग 20 वर्ष से भी कम है या फिर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका एज कम है और चाहते हैं कि सीजीपीएसई की तैयारी करें, पेपर दें, तो उनके मन में भी ये सवाल होगा कि एज क्वालिफिकेशन इस एग्जाम के लिए क्या है। तो इस एग्जाम को देने के बाद आपको पता है कि डिप्टी कलेक्टर बनोगे, रैंक के हिसाब से डीएसपी बनोगे, नया तहसीलदार बनोगे, जेलर बनोगे, कई सारे पोस्ट होते हैं इसमें। तो इसमें अगर एज लिमिट की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखोगे तो डीएसपी के लिए यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के लिए इसमें एज लिमिट अलग और बाकी सर्विसेज के लिए इसमें एज लिमिट अलग है। तो डीएसपी में अगर आप देखोगे तो इसमें आपको मिनिमम जो एज होना चाहिए आपका वो 21 होना चाहिए। अगर आप 2021 सीजीपीएसई के लिए तैयारी कर रहे हो तो मानकर चलो कि आपका फरवरी में पेपर होगा, तो फरवरी 2022 में पेपर होगा किसका, सीजीपीएसई 2021 का। फरवरी में पेपर होगा तो वहां आपको 1 जनवरी 2022 तक आपका जो एज है वो कम से कम 21 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। मैक्सिमम एज है डीएसपी के लिए 28 साल, ठीक है। और अलग, और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, या फिर अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, क्रिमिनल ईयर इसमें इंक्लूड नहीं है, एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लास, तो इनके लिए जो एज लिमिट है वो है 33 वर्ष का, ठीक, एससी, एसटी, ओबीसी। और अगर आप हैंडीकैप हो यानी कि अगर आप निःशक्त जन हो तो भी आपका जो एज लिमिट है वो 33 साल की है। इसके अलावा 2016 और 17 के बाद से इसमें महिलाओं के लिए अलग से एज लिमिट रखा गया है जो अधिकतम है यानी कि 33 वर्ष जो है इससे ज्यादा 5 वर्ष बढ़ाकर इसे 38 किया गया है यानी कि 28 से 10 साल अधिक महिलाओं के लिए एज लिमिट डीएसपी के लिए 38 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा जब आप नोटिफिकेशन, अगर अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे, एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे 2020 वाला, तो उसमें आपको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग एज लिमिट मिलेगा। ये मैं आपको 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके आधार पर बता रहा हूं, हो सकता है 2021 का नोटिफिकेशन जब आए तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन अभी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2020 के नोटिफिकेशन के हिसाब से पढ़ना है। तो डीएसपी के लिए जो आपका एज लिमिट है वो इस तरह से होना चाहिए। हाँ, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर अगर छत्तीसगढ़ में अभी से वर्तमान में किसी गवर्नमेंट जॉब पर है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब पर है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स वहां पर दिया हुआ है। तो ये एक सार था एज लिमिट का, मैक्सिमम लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। और बाकी लोगों को अगर ब्रीफ में चाहिए तो आप नोटिफिकेशन बिल्कुल पढ़ सकते हो, ज्यादा ब्रीफ में जाओगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जितना जरूरत है बस मैं उतना यहां बता रहा हूं। इसके बाद जितने भी अदर पोस्ट हैं डीएसपी को छोड़ के उसके लिए एज लिमिट क्या है, तो उसके लिए एज लिमिट अगर मिनिमम जाओगे तो वही 21 वर्ष, मैक्सिमम जाओगे तो आपका 30 वर्ष इसमें मिलेगा, क्लियर है। अब यहां पर वर्तमान समय में ये है आपका 2010 के आसपास तक आया था जब रिवाइज हुआ था सीजीपीएसई का रूल्स, तो 30 वर्ष मैक्सिमम, 21 वर्ष मिनिमम। और ये जो रूल है, अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी नहीं हो, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आप सीजीपीएसई का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए एज लिमिट इतना होना चाहिए। और डीएसपी में कितना होना चाहिए, 21 और 28 अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो। तो अदर स्टेट से बिलोंग करते हो मतलब आप किसी भी कैटेगरी के हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, आप हैंडीकैप हो यानी कि निःशक्त जन हो, किसी भी प्रकार के कैटेगरी में हो तो आपका एज लिमिट यह है। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हो
यानी कि यहां से बिलोंग करते हो तो अभी आपका मिनिमम इतना है 21, मैक्सिमम है 40 वर्ष, ये स्थानीय निवासी के लिए। इसके अलावा अगर आप, ये है जनरल छत्तीसगढ़ अगर आप स्थानीय निवासी हो तो, अगर आप ओबीसी एससी एसटी या फिर हैंडीकैप या फिर निःशक्त जन हो तो ये आपके लिए एज लिमिट है 45 साल। इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के किसी पद पर कार्य कर रहे हो तो आपके लिए एज लिमिट जो है वो 38 साल का है। कितना भी छूट ले लो, किसी भी तरह का छूट अगर आपको गवर्नमेंट दे देती है तो आपका 45 वर्ष से एज अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप 45 वर्ष तक हैं, इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। जनरल कैटेगरी में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, 40 साल के हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। तो खासकर जो दो सवाल आता है ना मन में, जब भी आप कोई कहता है कि सीजीपीएससी की तैयारी करूंगा या कहता है तू सीजीपीएससी की तैयारी कर ले, तो लोगों से पूछ लेते हो कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, एज कितना है, तो दो सवाल जो मोटा मोटी आता है इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़े, अब आता है कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि इस एग्जाम के सिलेबस पे डिस्कस नहीं करेंगे, मोटा मोटी मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से पैटर्न है, सिलेबस पे फिर कभी हम डिस्कस कर लेंगे। पहले आज जब शुरुआत कर रहे हो तो जितनी चीजों को बता रहा हूं उतनी चीजों को ध्यान में रख लेना, यहां से आपको एक मोटा मोटी रास्ता पता चल जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं या कर सकती हूँ या नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्लियर है। चलिए एग्जाम का पैटर्न यहां पर देखें, एग्जाम का पैटर्न आपको पता है पीएससी स्टेट सर्विसेज का, जब भी आप एग्जाम देते हो तो आपका जो पैटर्न होगा वो होगा, सबसे पहले जब भी आप फॉर्म भरते हो तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आता है और उसके बाद आपका आएगा मेंस पेपर। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। देखो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन सीजीपीएससी द्वारा हर वर्ष नवंबर के महीने में रिलीज किया जाता है, ऑलमोस्ट 26 नवंबर को, दो दिन आगे दो दिन पीछे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है 26 नवंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन आता है। कई लोगों का एक कमेंट था कि जो बिगिनर्स है खासकर उनका कमेंट है कि नोटिफिकेशन कब आता है, तो नवंबर के महीने में आपका नोटिफिकेशन आएगा और फरवरी के महीने में आपका एग्जाम होगा। तो आज से आप अगर मान के चल लो तो आपके पास में तैयारी करने के लिए 7 से 8 महीने का वक्त है, इतने समय तक आप पढ़ सकते हो और नोटिफिकेशन के लिए लगभग 3 से 4 महीने का वक्त है, ठीक है। तो नवंबर में नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद मेंस का एग्जामिनेशन जो है वो लगभग जून में होता है, कोरोना की वजह से, हालांकि अभी 26 जुलाई से है लेकिन ऑलमोस्ट जून में मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। चलिए तो प्रीलिम्स में जैसा कि आपको पता है दो पेपर होता है, एक होता है आपका जीएस यानी कि जनरल स्टडीज, जिसमें आपको पॉलिटी पढ़ना होता है, आपको हिस्ट्री पढ़ना होता है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है, एनवायरमेंट पढ़ना होता है, साइंस एंड टेक पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स होता है, सीजीजीएस होता है। सीजीजीएस के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, आर्ट एंड कल्चर है, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ का पॉलिटी है, बहुत सारे पार्ट इसमें भी होते हैं। तो जब हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे तो इसे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, अभी मोटा मोटी बता रहा हूं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो जीएस में आपको टोटल मिलेंगे 100 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, यानी कि टोटल होगा 200 मार्क्स का। माइनस मार्किंग है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1/3 मार्क्स जो है वो कट जाएगा, ये है आपका नेगेटिव मार्किंग, ठीक। पहला पेपर जीएस, दूसरा पेपर होता है आपका सीसेट। आज से 2 साल पहले सीसेट और जीएस दोनों का मार्क्स मिला के आपका मेरिट लिस्ट यानी कि क्वालिफाई अगर आप करते हैं प्रीलिम्स तो दोनों के मार्क्स मिलाकर होते थे, लेकिन अब सीसेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। कहने का मतलब यह है कि आपका जो मेंस के लिए एलिजिबिलिटी तय होगा, प्रीलिम्स आप क्वालिफाई सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 1 के मार्क्स के आधार पर करोगे। सीसेट में आपको यहां पर सिर्फ 33 मार्क्स लाना है और आप सीसेट जो है वो क्वालिफाई कर जाओगे, इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप इसमें ओबीसी वही कैटेगरी, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप निःशक्त जन हो तो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका सिर्फ और सिर्फ 23%, 33% जनरल के लिए और 23% इन कैटेगरीज के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जब आपका पेपर चेक होगा तो सीसेट का ही होगा, जब तक आप सीसेट क्वालिफाई नहीं करोगे आपका पहला पेपर चेक नहीं होगा। कई लोग ऐसा होता है ना कि जीएस में बहुत मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, जीएस क्वालिफाई कर लिए, अच्छा 150-160 नंबर उनका आ रहा है,
और इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए इनका जीएस का पेपर ही चेक नहीं हुआ। तो कभी भी सीसेट को लाइटली नहीं लेना है। हाँ, जीएस पे ज्यादा फोकस करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन सीसेट पर भी इतना मेहनत करना है कि 33% यानी कि आप कम से कम 66 मार्क्स तो ले ही हो इसको क्वालिफाई करने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो जीएस पेपर के आधार पे ही आपका कट ऑफ निकलेगा और उसी के आधार पे आप मेंस के लिए एलिजिबल हो गए। तो इस पे फोकस करना है। ये हो गया आपका प्रीलिम्स की बात। इसके बाद आते हैं हम मेंस पर। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, जितना भी कट ऑफ जाएगा, पिछले साल की अगर हम बात करें, जब टफ पेपर आता है तो 110-115 के आसपास कट ऑफ रहता है, और अगर हम पिछले के पिछले साल चले जाएं तो 135-140 तक भी कट ऑफ जाता है जब बहुत इजी पेपर आ जाता है। तो वो पेपर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो उस आधार पे आपको तैयारी करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेंस की। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया आपने, उसके बाद आता है मेंस का एग्जामिनेशन जो कि जून के महीने में होता है। उसका भी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन अलग से आता है कि अब आपको अप्लाई करना है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। एडमिट कार्ड जारी किया जाता है सीजीपीएससी के द्वारा। तो इसमें टोटल होते हैं 7 पेपर। 7 पेपर में पहला पेपर होता है आपका भाषा का, जो कि 200 नंबर का होता है। सातों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 1400 मार्क्स के भाषा। दूसरा होता है आपका निबंध। निबंध के 2 सेक्शन होते हैं, दोनों सेक्शन में दो दो निबंध आपको लिखना होता है, यानी कि 4 निबंध टोटल। समय अवधि होता है 3 घंटा, प्रीलिम्स में समय अवधि होता है 2 घंटा, इसमें 3 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, तो निबंध यहाँ आपका छत्तीसगढ़ इश्यूज पे 2 ऐसे लिखना होता है, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे 2 ऐसे लिखना होता है, टोटल 4 ऐसे लिखना होता है 200 मार्क्स के। ठीक, और इसके बाद आपका GS1, फिर GS2, GS3 ये जनरल स्टडीज के पार्ट हो जाते हैं, GS4 और फिर GS5, 5 GS के पेपर होते हैं। इस तरह से टोटल 7 पेपर होते हैं। GS1 में आपको हिस्ट्री पॉलिटी मिल जाएगा, इसके बाद आपको अप्लाइड साइंस वाला पार्ट मिल जाएगा। पेपर नंबर GS6 में जाओगे तो आपको फिलोसफी ऐसा पढ़ना पड़ेगा। पेपर नंबर 7 में, सिलेबस पे भी हम कब डिस्कस करेंगे, बस एक मोटा मोटी बता रहा हूँ। पेपर नंबर 7 में जाओगे तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन एक्ट्स के बारे में पढ़ना होगा, एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना होगा। तो ये सारी चीजें आपको पेपर नंबर 7 में, ये पूरी तरह से रिटेन होता है, 3 घंटे का वक्त होता है। और यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, उस क्वेश्चन पेपर में जो मार्क्स डिवाइडेड होते हैं वो टोटल 5 सेक्शन में बटे होते हैं। ये 5 सेक्शन कैसे किस प्रकार से होता है, 2 नंबर के होगा, 4 नंबर का होता है, 8 नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है और 15 नंबर का होता है। इस तरह से 200 मार्क्स का जो पेपर होता है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। आपको रिटन लिखना होता है, जैसे आपका यूनिवर्सिटी का पेपर होता है ना, उसमें एक पेपर हुआ, 2-3 दिन गैप मिला, उसके बाद दूसरा पेपर होता है। तो इसमें वैसा नहीं है, आपको एक दिन में 2-2 एग्जाम देना पड़ता है। तो इस तरह से इसमें बोलते हैं कि अगर आपको पीएससी को क्रैक करना है तो मेंस का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत सटीक तरीके से होना चाहिए। आपका मेंटल एबिलिटी वहां पर इस तरह से होना चाहिए कि आपके सामने पेपर मिले, आप आंसर लिखना चालू करो। क्लियर है? तो अब यहां पर बात आया, पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया कि इस प्रकार से पैटर्न होता है। सिलेबस फिर कभी जरूर डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। अब पैटर्न के बाद शुरू कैसे करें? आपको ये पता चल गया कि आप पूरी तरह से एलिजिबल हो। पैटर्न देखने के बाद आपको यह समझ आ गया कि इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ सकता है, किस प्रकार से पैटर्न है, आप किस प्रकार से कर सकते हो। हाँ, इसके बाद आपको इंटरव्यू भी देना होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है, और 150 मार्क्स के बाद टोटल हो जाता है 1550। इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, चाहे 200 सीट हो, चाहे 300 सीट हो, जितना भी सीट हो, इस मेरिट लिस्ट के हिसाब से 1550। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का जो मार्क्स होता है इसमें नहीं ऐड होता है, सिर्फ मेंस का जो स्कोर होता है इसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी यहां पर डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करना, फिर मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद जो होता है, अब शुरू कैसे करें, दो है कि एक तो आप प्रीलिम्स से शुरू कर लो प्रिपरेशन करना, या तो आप मेंस से कर लो शुरू। तो छत्तीसगढ़ में जनरली ऐसा देखने को मिला है कि लोग प्रीलिम्स से पहले शुरू करते हैं, पहले प्रीलिम्स को तैयार करते हैं बाद में मेंस को करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रीलिम्स क्रैक करके क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हमेशा जो शुरुआत होना चाहिए, अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो तो हमेशा जो शुरुआत होना चाहिए वो आपका मेंस एग्जामिनेशन से होना चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में जितने भी आपके सिलेबस हैं वो आपका 75-80% आपका प्रीलिम्स कवर कर देगा। तो पहले मेंस को शुरू करें, पढ़ें,
पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा पॉइंट्स नहीं लेकिन कुछ पॉइंट्स जरूर बताऊंगा। तो पहले आप मेन से शुरू करो, सिलेबस को साथ में रखो, ये भी कैसे साथ में रख सकते हो आगे मैं बताऊंगा। तो मेन से शुरू करोगे तो 75 से 80% आपका प्रीलिम्स प्रिपेयर हो जाएगा, आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा, और जो आपका बच गया यहां पर आप मान लो 20 से 25% प्रीलिम्स का पार्ट बच गया, इसको कब प्रिपेयर करोगे, तो जब आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला रहेगा उससे 2 से 3 महीना पहले आप प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज जितना दे सकते हो उतना दो, प्रीलिम्स के लिए बाकी चीजें जो पढ़ना है पढ़ो, ये 2 से 3 महीने में प्रीलिम्स सफिशियंट होता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन मेंस के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। हर एक पेपर को पढ़ने के साथ साथ आपको बार बार रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और रिटन प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता, इसमें रिटन ऐसा नहीं, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट वे में लिखना पड़ेगा, स्पीड लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप शुरू कर सकते हो, हमेशा मेंस से शुरू करना है। ठीक, अब यहां पर आपको क्या खास बात ध्यान रखना है, तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि जब भी आप शुरू करो तो अपने अंदर से पूछो कि क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर मुझसे आप पूछोगे कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझे कितना समय चाहिए, तो समय कोई भी फिक्स नहीं है। आप 5 महीने में भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, सिर्फ 5 महीना पढ़कर, 1 साल में भी क्रैक कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2-3-4 अटेम्प्ट देने के बाद भी आपका पेपर ना निकले, क्योंकि सिर्फ 10 से 15% ही लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो अगला आपका यहाँ पर एक सवाल ये हो सकता है कि ऐसे में हम क्या करें, कैसे तैयारी करें। तो इस एग्जाम में घुसने से पहले, इस एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू करने से पहले 3 चीजों को दिमाग में आप बिठा कर रख लीजिए कि इन 3 चीजों को आपके अंदर भरना है, ये 3 क्वालिटी आपके अंदर विकसित करना है, या 3 क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये 3 क्वालिटी क्या होना चाहिए, या फिर आपको इन 3 क्वालिटी को अपने अंदर विकसित करना होगा। इसमें सबसे पहला है स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क से ज्यादा मेहनत आपको स्मार्ट स्टडी पे करना है। स्मार्ट स्टडी कैसे हो सकता है, स्मार्ट स्टडी हर किसी का अपना एक अलग तरीका हो सकता है, आपका शेड्यूल अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है, आपका नोट्स बनाने का तरीका अलग हो सकता है, आपका करेंट अफेयर्स का वैल्यू एडिशन करने का तरीका अलग हो सकता है, हर एक तरीका अलग हो सकता है। आपकी क्षमता किस प्रकार से है, आपका दिमाग कितना तेज गति से चलता है, आप किस प्रकार से सोचते हो, ये डिपेंड करता है कि आप स्मार्ट स्टडी कितना बेहतर तरीके से कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर आप कर सकते हो तो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए, और इसका एनालिसिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा लो, हमेशा साथ में सिलेबस रखो, सिलेबस बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठो तो सिलेबस हार्ड कॉपी में आपके बगल में होना चाहिए, बार बार उल्टो सिलेबस तो ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको पूरा रटा हुआ हो कि ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक इसका पार्ट है, ये इस सिलेबस का भाग है, ये पेपर नंबर है, ये इतना है, सब कुछ पता होना चाहिए, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो ये सब स्मार्ट तरीका, आपका शेड्यूल किस प्रकार से है, सुबह कितना घंटे पढ़ते हो, रिवीजन किस प्रकार से करते हो, आपने जो नोट्स बनाया है वो आपके लिए कितना उपयोगी है, बाद में वो आपको रिवीजन के समय में कितना हेल्प करेगा। तो स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है, हार्ड वर्क है, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा हार्ड वर्क के साथ में। दूसरा क्या है, आपका धैर्य, आपके अंदर में पेशेंस कितना है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर ना हो, या हो सकता है कि आपके साथ जब, क्योंकि ऑलमोस्ट मान के चलो आपको मिनिमम 8 से 10 महीने तो चाहिए, अगर बहुत ज्यादा कोई होशियार हो तो 5 महीने में भी निकाल लेगा, लेकिन मिनिमम मानकर चलो 8 से 10 महीने या 1 साल का वक्त आपको चाहिए। इस बीच में हो सकता है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, डिप्रेस्ड हो, लेकिन यहां पर आपको पेशेंस अगर बनाए रखते हो तो आप बिल्कुल इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने के लिए पेशेंस बहुत मैटर करता है, आपके अंदर कितना धैर्य है। कभी कभी ना इंसान बेचैन हो जाता है, कैसे बेचैन होता है, आप तैयारी कर रहे हो, किसी क्लास में टेस्ट ले रहे हो, या आपका दोस्त है, आपका ग्रुप है, आपसे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपसे बहुत अच्छा टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं, तो आप अंदर से बेचैन होने लगते हो कि यार वो ये कर रहा है, मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप बेहतर कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आप बेहतर कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए कि आप अपने हिसाब से बेहतर स्मार्ट स्टडी कर रहे हो। तो धैर्य होना चाहिए, दिमाग शांत होना चाहिए, कभी भी बेचैन नहीं होना, कभी भी घबराना नहीं है, सामने वाला क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कितने स्कोर कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, मतलब होना चाहिए कि आप कितना बेहतर कर रहे हो।
तो ये है दूसरा पॉइंट। तीसरा, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी पढ़ाई में निरंतरता है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो भी बहुत मैटर करता है, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हफ्ते में दो दिन बहुत 8 घंटा 10 घंटा 16 घंटा आपने पढ़ लिया, उसके बाद हॉलीडे मना रहे हो, वीकेंड पे जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डेली 2 घंटे ही पढ़ो, डेली 3 घंटे ही पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंट वे में पढ़ो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बुक खोलते हैं, कॉपी खोलते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, बगल में सोशल मीडिया चलते रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी देर भी पढ़ो ईमानदारी से पढ़ो, कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो अगर आप में ये 3 क्वालिटी है करने का, अगर आप में ये क्षमता है कि आप इन 3 को फॉलो कर सकते हो, तो आप इस एग्जाम को बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। तो यही 3 मूल मंत्र हैं जो आपको इस एग्जाम में सफलता दिला सकते हैं। आप इसको फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल। तो आपने जो पूछा था ना कि क्या 4 घंटे पढ़कर इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, क्या 5 घंटे पढ़कर इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, 3 घंटे में भी किया जा सकता है, लेकिन ये 3 क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको विकसित करना होगा। स्मार्ट स्टडी कैसे होता है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, तरीका बता सकता हूं। बाकी हर किसी के अंदर का क्वालिटी अलग होता है। कोई सुबह पढ़ना पसंद करता है, कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई सुबह जल्दी उठना पसंद करता है, कोई रात में लेट तक पढ़ के सुबह लेट से उठना पसंद करता है। तो हर किसी का स्ट्रेंथ अलग होता है। आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अपने अंदर क्वालिटी विकसित कर सकते हो। तो अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हो तो आप इस एग्जाम का प्रिपरेशन बिल्कुल शुरू कर सकते हो। कई बार ये ऐसा भी होगा कि आपके अपने ही, चाहे घर वाले हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, वो कई बार डिप्रेस करेंगे, कई बार फ्रस्ट्रेट करेंगे कि तुम नहीं कर सकते, तुम ये कर लो, वो कर लो। लेकिन सिर्फ सुनना है तो आपको अंदर की बात, अगर आप में क्षमता है, आप अपने आप से बोल सकते हो कि मैं कर सकता हूं, तो बिल्कुल करो। किसी के सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंख बंद रखो, अपना तैयारी करो। ग्रेजुएशन के बाद या फिर ग्रेजुएशन के समय ही हर किसी का ड्रीम अलग अलग होता है, अलग अलग फील्ड में जाना चाहता है। अगर आपने ये सोच लिया है, मैं बाकी डायमेंशन की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप CGPSC SSE यानी कि स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरफ आने का अपना मूड बना चुके हो, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, हार्डवर्क करना चाहते हो, स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, स्वागत है आपका। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हो। इसके बाद स्मार्ट स्टडी कैसा कर सकते हो, उस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक वीडियो में अगर आप लोग कहोगे तो सिलेबस पर भी बना दूंगा। टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, पूरा शेड्यूल किस प्रकार से बनना चाहिए, इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप इसे पहला पार्ट मानकर चलो। अगर शुरू करने जा रहे हो तो अभी इतना समझ लो, आप अपने आप को टाइम दो और सोच लो कि ये कर सकते हो कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक, चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर चाहिए तो सिलेबस पर भी बना दूंगा, और स्मार्ट स्टडी कैसे किया जा सकता है, टेस्ट सीरीज के साथ में, रिटन प्रैक्टिस किस हिसाब से चाहिए, ये सब पे भी एक अलग से जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, कमेंट जरूर कीजिएगा। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।